विषय सत्य पे सत्ता, फिर आया सत्य पे सत्ता नाम है इसका। और इसमें मैं एक कालिया का रोल निभा रहा हूँ, जो सात भाई में से एक भाई मैं हूँ। और कॉमेडी है, सीरियस है और एंजॉय भी है, एंटरटेनमेंट है, अच्छा फिल्म है। मैंने अभी आधा देख के निकला है, पूरा देखने के बाद मुझे भी पता चलेगा कि मैं मतलब आखिरी में होता क्या है। पीपली लाइव के बाद आप भी एक स्टार बन गए हैं और आप नए नहीं कह सकते आपको, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा बच्चों के साथ काम करके? जी, इन नए लड़के लड़की के साथ काम करके कैसा लगा आपको? देखो, नए पुराने की बात नहीं होता है इसमें। अब नए हैं, इनको अगर पुराने हम जैसे लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कते कहाँ जाएंगे। तो हमने एक सपोर्टिंग के रूप में काम किया है यहाँ पे, और नए लड़के भी अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं। अभी मुझे तो कत अच्छा लगा, अभी कत ऑडियंस के ऊपर में है कि ऑडियंस क्या रिस्पॉन्स देता है आजकल में। सर, आपका नाम? मेरा नाम कुमार राजेश है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ऑडियंस को पिक्चर पसंद आ रही है, और एक कलाकार को इस बात की बहुत खुशी होती है कि लोगों को पिक्चर उसकी पसंद आए। खुद का काम तो अच्छा लगता ही है, लेकिन जब दूसरे तारीफ करते हैं तो सच्ची तारीफ होती है। तो फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, ये बहुत खुशी की बात है। मुंबई का गढ़ माना जाता है जो ग्रैंड रोड है, और यहाँ पे आपकी मूवी लगी है, भले बड़े सिनेमा में नहीं लगी लेकिन एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि यहाँ पे फिल्म लगना। जी हाँ, ये थिएटर जो है ये अंग्रेज़ों के ज़माने, ओल्डेस्ट थिएटर है ये मुंबई का, और यहाँ पिक्चर लगना भी गर्व की बात है, ऐसी बात नहीं है। छोटा थिएटर नहीं है लेकिन प्राचीन और माना हुआ थिएटर है, और यहाँ फिल्म लगी, और इसीलिए हम यहाँ देखने के लिए आए हैं कि हम खुद ये जगह देखना चाहते थे बहुत दिनों से, कि इम्पीरियल थिएटर कैसा है, क्या है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। जी हाँ, मैंने सुना है कि जंजीर पिक्चर भी यहीं से सुपरहिट हुई थी, और आज सत्य पे सत्ता लगी हुई है हमारी फिल्म, और बहुत ही खुशी की बात है। अमित जी की भी सत्य पे सत्ता आई थी और आज हमारी आई है, और उनकी जंजीर वाले थिएटर में आई है, और ये हमारे लिए बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है। हमारी फिल्म की ऑलमोस्ट पूरी टीम यहाँ पर है, अपनी हीरोइन सनाया सिंह जी, वीरेन ऋषभ राज जी, ऋषभ मिश्रा जी हैं इसमें, और कमाल खान भी साथ में ही हैं, जो हमारी माँ बनी हैं फरीदा शेख जी, वो भी साथ में ही हैं। तो लगभग सारे ही लोग हैं, क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं तो अब सबका नाम तो मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन सारे का। हाँ, एक बात का दुख है कि विश्वजीत जी आज नहीं है, जिन्होंने इतने अपने पुराने ज़माने के महान कलाकार हैं, उन्होंने इस पिक्चर में मेरे मामा जी का रोल किया है। ये भी मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया है। आज उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आ नहीं पाए, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। थैंक यू। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम ऋषभ भारद्वाज। सर, इस फिल्म में मैंने एज अ मेन नेगेटिव लीड किया है, और अच्छा ही है, बढ़िया किरदार है। रिवेंज की कहानी है छोटे भाई और बड़े भाई के बीच। आपकी अगर बॉलीवुड की एंट्री की बात करें, ये आपका प्रोफाइल क्या है बॉलीवुड में? अब तक हमने काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स किए हैं, और एक फिल्म भी हमने इसके पहले की थी जो रिलीज हुई थी, द डेंजरस रेड। और वैसे ये मेरी दूसरी मूवी है, और सबसे पहली मूवी ये है एज अ जो बहुत बड़े स्तर पे रिलीज़ हुई है। और इसके अलावा मैं एक दो और फिल्म्स कर रहा हूँ, जैसे अगर तुम मिल जाओ, मिला मौका, मारो चौका। कैसी लगी आपको मूवी? आपने जब स्क्रीनिंग हुआ है, प्रेस पहला शो था जिसका, जी आप साथ में बैठ के, आपने ऑडियंस के साथ बैठ के मूवी देखी? जी, बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत ही अच्छा फीलिंग है। और इस चीज़ के लिए कितने सारे एक्टर तरसते हैं, कितने सारे एक्टर को ये शुभ अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और बहुत खुशी हो रही थी। कुछ पल के लिए मैं इमोशनल भी हो गया था अपने आप को बड़े पर्दे पे देखकर, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक्स अ लॉट। आपका नाम? मेरा नाम ताहिर कमाल खान है। क्या कमाल किया आपने? कमाल क्या, फुल टू धमाल किया है, क्योंकि फिल्म का नाम है सत्य पे सत्ता, जो कि श्री राजेश मित्तल साहब ने बनाई है। राजेश मित्तल साहब 45 साल पुराने डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, जिनका स्टूडियो रंजीत स्टूडियो में आज भी उनका स्टूडियो है। कभी अमिताभ बच्चन सर वहां पे स्ट्रगल करते थे। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस फिल्म में काम करने के लिए अवसर मिला, मौका मिला। और ये पिक्चर हमारे लिए तो मील का पत्थर है, क्योंकि हमने 15 साल संघर्ष करने के बाद ये फिल्म हमको प्राप्त हुई है,
और ये हमारा सपना था कि हम पिक्चर को थिएटर में देखें। मेरा एक सपना, जैसे हर किसी एक एक्टर का सपना होता है कि वो अपने आप को सिनेमा में देखे, थिएटर में देखे, पोस्टरों को थिएटर पे लगा हुआ देखे, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत खुश हूँ। आप सब लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये फिल्म जो है सत्ते पे सत्ता, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इसमें पूरी फुल टू कॉमेडी धमाल है, फुल टू इंटरटेन है, फैमिली पिक्चर है, हर कोई इसको देख सकता है। और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो इंशाल्लाह पिक्चर सुपर हिट होगी। और ये पिक्चर में श्री अमिताभ बच्चन साहब, अगर ये मेरी बात सुनेंगे, सर ये पिक्चर हमने कोशिश की है, ये एक कोशिश करके जनता के सामने रखी है, ये पिक्चर सर आपके लिए समर्पित, श्री अमिताभ बच्चन जी के लिए ये पिक्चर समर्पित। सत्ते पे सत्ता हो या दुग्गी पे दुग्गी, कोई फर्क नहीं अलपत्ता, कोई फर्क नहीं पलपत्ता। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार सर। ये प्रोजेक्ट के टाइटल जो है मेरे पास, मैं 4 साल से लेके रखा हूँ। ये फिल्म का नाम है फिर आया सत्ते पे सत्ता। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था सर, और बहुत मुश्किल से मुझे बनाते बनाते 1.5 साल लग गया है फिल्म को। ये मेरा 40वां फिल्म है सर। ये इसके पहले मैंने 39 फिल्में बना चुका हूँ मैं, जिसमें बहुत फिल्मों का नाम गिनाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसमें पहली पिक्चर थी मांग तेरी सिंदूर मेरा, दूसरा था भूचाल, तीसरा था नया कानून, चौथा था भरोसा, पांचवा था डाक बंगला, छठा था टावर हाउस, इसके बाद प्रेत आत्मा, उसके बाद आपका ये मांग तेरी सिंदूर मेरा, और इसके बाद अभी अभी रिसेंटली रिलीज हुई थी रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसके पहले मैंने फ्रीडम फाइटर के ऊपर पिक्चर बनाई थी, बिरसा मुंडा, वो भी फ्रीडम फाइटर के ऊपर ही पिक्चर था। और अभी इसके बाद ये सत्य पे सत्ता, तो आपका आशीर्वाद मिल रहा है। सत्य पे, आपकी बात को रोकना चाहेंगे, सत्य पे सत्ता ये रोहित सिनेमा हॉल है जहाँ पे जंजीर सुपर हिट हुई थी। बिल्कुल हुआ था। बिल्कुल सही पर, बिल्कुल बस यही 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 बहुत बड़ा भागशाली हूँ सर मैं, और मेरा नसीब अच्छा है कि ये थिएटर मिला है मुझे। जंजीर यहीं से सुपर हिट हुई थी सर, जो सरप्राइज है। और जंजीर में अमिताभ जी थे, सत्य पे सत्ता में भी अमिताभ जी थे, जिनकी रिमेक करके ये पिक्चर अभी हमने बनाई है सत्य पर सत्ता। तो ये पिक्चर भी आप लोग से गुजारिश करूँगा कि आप लोग देखें जरूर ये फिल्म को थिएटर में, कुछ 300 थिएटर में ऑल ओवर इंडिया में पिक्चर रिलीज है, और इसे ज़रूर देखें और अपना आशीर्वाद दें। उसी जगह पे रिलीज है, उसी सिनेमा पे, उसी सब चीज़ वही है जी। उसी कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है। फ़र्क इतना है कि उस वक्त ऑडियंस दूसरे थे, आज ऑडियंस दूसरे हैं। आज के ऑडियंस एकदम यंग जनरेशन है, और यंग जनरेशन इसको देख रहा है, भाप रहा है कि आज की फिल्में क्या होनी चाहिए, वही मैं बताने की कोशिश किया हूँ। राजीव जी के सर, बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा रिस्क उठाया है इन्होंने, पर मैं इनके लिए सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि ही इज़ अ गॉड, किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं एक्चुअली। और ज़्यादा इससे ज़्यादा मैं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। अभी तो मैंने आधी देखी है बाय द वे, और उसमें उसका जो गाना है इस जहाँ से वो जहाँ तक, आई जस्ट लव दैट सॉन्ग। जी जी जी, बहुत अच्छा था। नितिन मुकेश जी ने गाया और आशा भोसले ने गाया है इनको, तो इन लोगों ने गाया और इतना प्यारा गाना है सर कि हर के जुबान पे चढ़ेगा। हम खुश नसीब हैं जो इतने बड़े बड़े सिंगर्स के गानों को हमारे ऊपर पिक्चराइज किया गया है और हमने उस पर अभिनय किया है, मतलब जन्म सफल हो गया हमारा। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बात है सर, फर्स्ट फिल्म है ये, और बाकी आगे तो आती ही रहेगी, बट अभी शुरुआत तो मीनू के साथ बहुत ही खूबसूरत हुई है, आप भी देख रहे हैं। जब बस यही गुजारिश करूंगा कि ऑडियंस से, लोगों से, कि ये फिल्म जरूर जाएं देखने के लिए, और एक सिर्फ पूरे फैमिली के साथ देखने के लायक फिल्म है। फैमिली मूवी है तो आप बिल्कुल ही। थैंक यू।